हेलो फ्रेंड, एजुकेशन जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। मनरेगा अंतर्गत विभिन्न पदों पर न्यू वैकेंसी, ग्राम रोजगार सेवक, प्रखंड कार्यक्रम अधिकारी, तकनीकी सहायक, लेखापाल, कंप्यूटर ऑपरेटर के अंतर्गत कंप्यूटर सहायता, यहां पे काफ़ी बड़ी अपडेट के तौर पर इस वैकेंसी का शुरुआत किया जा रहा है। किसमें कितनी सीट है यह भी आप लोग जान लें। प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के अंतर्गत यहाँ पर 4 सीट हैं। तकनीकी सहायक और सहायक अभियंता का यहाँ पे 14 सीट है। तकनीकी सहायता कनीय अभियंता का यहाँ पे 20 सीट है। लेखा सहायक का आपको 2 सीट है। कंप्यूटर सहायक का 6 सीट है और ग्राम रोजगार सेवक का 55 सीट है। इस प्रकार से आपको किस तरह से कैसे आवेदन करना है यह भी सुनिश्चित जानकारी आप लोगों को होना चाहिए। किसमें कितनी आयु सीमा है यह भी जानकारी होना चाहिए। प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी का मानदेय क्या है? 19,500 रुपये। तकनीकी सहायक और सहायक अभियंता का 19,200। तकनीकी सहायक कनीय अभियंता का 17,500। लेखा सहायक का आपको 10,500। कंप्यूटर सहायक का आपको 10,500। और ग्राम रोजगार चाहते हैं इसका पूरा डिटेल देखने के लिए तो सारा प्रक्रिया आपने देख चुके हैं, किसमें कितनी पद कितनी सीट हैं और किसका सैलरी कितना है। अब जानते हैं कि एजुकेशन की विशेष योग्यताएं क्या मांगा गया है। तो मैट्रिक और आपको इंटरमीडिएट स्तर पे यहाँ पे मांगा गया है। आवेदन शुल्क आप लोग को किस तरह से कैसे करना होगा यह भी आप लोग जान लें। प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी का 100 रुपये, तकनीकी सहायक और सहायक अभियंता का आपको 100 रुपये और सभी प्रकार के यहाँ पे आपको जो आपको आवेदन शुल्क है यहाँ पे दे दिया गया है। शर्तें के अनुकूल यहाँ पे क्या क्या शर्त होना चाहिए यहाँ भी उस चीज़ को अपडेट कर दिया गया है। आपके लिए काफ़ी बड़ी सुनिश्चित हैं कि आपको किस माध्यम और कैसे आप लोग को आवेदन करना है। आपको ब्लॉक में जाके इस चीज़ का पता लगाना पड़ेगा कि क्या क्या करना चाहिए। तो कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण हजारीबाग के अंतर्गत यहाँ पे आपको जाना होगा। जैसे कि यहाँ पे JPE झारखंड रांची और यहाँ पे विषय कह रहा है कि मनरेगा अंतर्गत संविदा आधारित प्रखंड कार्यक्रम अधिकारी तकनीकी सहायक आप लोग को अभियंता के अंतर्गत 2/8/2021 के लिए यहाँ पे आवेदन कर दिया गया है। आपको उस चीज़ के लिए यहाँ पे काफ़ी बड़ी अपडेट के तौर पे इस वैकेंसी की शुरुआत किया जा रहा है। किस चीज़ को कैसे डील करना है यह सारी प्रक्रिया दिया जा रहा है। आप लोग इसे पूर्ण रूप से देखें और ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार के संकल्प में आपको 4/6/2007 के नियुक्ति अनुसार यहाँ पे 2012 के अंतर्गत इतना में आपको यहाँ पे सारा प्रक्रिया किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आपको शैक्षणिक योग्यता भी यहाँ पे सभी प्रकार का दर्शा दिया गया है। आवेदन जमा कैसे होगा? तो ऑनलाइन आवेदन में आवेदक के द्वारा फोटो एवं हस्ताक्षर भी अपलोड करना आवश्यक होगा और आवेदक द्वारा दिनांक 5/8/2021 से लेकर दिनांक 20/8/2021 तक ऑनलाइन अपराह्न 5 बजे तक वेबसाइट इतना पे आप लोग यहाँ पे आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सारा प्रक्रिया आप देख चुके हैं इस वेबसाइट के माध्यम से। सारी जानकारी अगर आप लोग को सही सही मिल रहा है तो आप मेरे एजुकेशन जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।